हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले जो कि सभी छात्रों के साथ तीन बड़ी परेशानियां, ठीक है। आज इसका यार बिल्कुल निचोड़ निकाल देंगे। अगर ये वीडियो आप अंत तक देख लेते हो तो इन तीन चीज़ों से आपकी ज़िंदगी भर के लिए छुटकारा हो जाएगी, ठीक है। नींद अधिक आना, याद न रहना, ध्यान भटकना, ठीक है। ये अवस्था ऐसी है कि इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस हो जाता है, तो इन अवस्थाओं को आप मात देंगी तभी जो सफलता है वो आपके कदमों में होगी। तो यार इन सफलता को अपने कदमों में करने के लिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले किसी ने सही ही कहा है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदल लेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो इन सब चीज़ों को यार आप अपने अंदर कैसे एनालिसिस करेंगे इसके बारे में इस वीडियो में इसकी पूरी एनालिसिस समय में आपको बताऊंगा। अब आपको प्रॉब्लम है नींद अधिक आना, ठीक है। ये मेरा पहला टॉपिक है नींद अधिक आना, दूसरा टॉपिक है याद नहीं रहना, और तीसरा टॉपिक है ध्यान भटकना। ये सभी 100% स्टूडेंट के साथ ये जो बीमारी है वो बिल्कुल पकड़ ली है, ठीक है, जाने का नाम नहीं ले रही है। तो देखो, नींद अधिक आना ये स्वाभाविक है कि मनुष्य है तो उसको नींद आना ही आना है, लेकिन इससे बचने का भी तो रास्ता है। जी हाँ, इसकी बचने की रास्ता है। देखो, जब आप पढ़ते हो तो आपको नींद, कोई भी सब्जेक्ट लेकर पढ़ रहे हो उसमें आपको लगी नींद आने, तो आप क्या करो, आप उस सब्जेक्ट को बदल कर या दूसरी सब्जेक्ट को ले लो, ठीक है। दूसरी सब्जेक्ट को ले लो बदलने के बाद। अदर आप इसके अलावा आप क्या कर सकते, जब नींद आए आपको, ठीक है, उस सब्जेक्ट को छोड़ो और अपने रूम से बाहर निकलो, ठीक है, कुछ वॉक कर लो। वॉक करने से क्या होगा, यानी कुछ टहल लो, टहलने के बाद कुछ पानी उनी भी पी लो और कुछ म्यूजिक भी सुन लो। जी हाँ, म्यूजिक भी सुन लो। देखो, दिमाग आपका थकता क्यों है, जब थकेगा आपका दिमाग तो आपको नींद आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। तो देखो, थकता कब, एक ही काम को अगर आप करते रहोगे तो आपका दिमाग थक जाता है, और थकने के बाद वो आराम चाहता है। अब आराम उसे कब मिलती है, जब आप सोते हो तो, ठीक है। तो उसी यार थकने नहीं देना है आपको। बीच बीच में पढ़ रहे हो, अगर आपके पास बाल है तो आप बाल को ऊपर नीचे छटका लो, ठीक है, ऊपर नीचे उसे जंप करा लो, बाहर जाके वॉक कर सकते हो, पानी पी सकते हो, फैमिली में किसी से बात कर सकते हो, ठीक है, फ़ोन पर भी बात कर सकते हो अगर आपका कोई वैसा है जिससे लगता है कि आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाता है बात करने में, तो यार आप बात कर सकते हो, इसके लिए आपको छूट है, ठीक है। ये आपकी नींद को कम कर देगा, और इसके साथ ही साथ इसमें और भी तरीके हैं नींद को कम करने के लिए, ठीक है। आप योगा भी कर सकते हो, योगा करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया, अगर आप योगा करते हो तो आपको नींद कम आएगी, ठीक है, आपका शरीर बिल्कुल फुर्तीला रहेगा। इसके साथ ही साथ हमारे वैद्य भी कुछ कहते हैं कि दही गुड़ खाने से भी नींद कम आती है, ठीक है। तो इन सब का आप सेवन भी कर और कुछ प्रक्रिया को अपनाकर नींद से बच सकते हो। इसके बाद याद न रहना, अब देखो याद न रहना, मनुष्य का जो मेमोरी है तीन पार्ट में वर्क करता है और तीन पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी और एक परमानेंट मेमोरी। अब देखो, लॉन्ग टर्म जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है उसमें जो चीज़ें होती है कुछ समय तक याद रहती है, उसके बाद भूल जाती है, और जो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है इसमें जो चीज़ें होती है वो लंबे समय तक याद रहती हैं। जैसे चीज़ों को लंबे समय तक कौन कौन सी चीज़ें याद रहती, जैसे आपकी कभी शादी हुई तो आपका शादी का जो फर्स्ट डेज है, या आपने किसी जयमाल पर कोई गड़बड़ी कर दी, या यार स्टूडेंट अगर आप कभी भी बड़ा काम कर देते हो, ठीक है, या कभी आप टॉपर बन जाते हो बोर्ड एग्ज़ाम के, तो ये सब चीज़ें के याददाश्त आपकी लॉन्ग टाइम तक बने रहते हैं। यार मैंने टॉप किया, अंदर से इतनी खुशी आ रही थी, मैं बिल्कुल इस तरह से। आप किसी क्लास में कोई मूर्खता कर देते हो तो आपको उसके लिए अपमानित किया जाता है, तो वो चीज़ें आपको लॉन्ग समय तक याद रहती हैं, ठीक है, और ये सब चीज़ें आपको लॉन्ग। और जो देखो परमानेंट कुछ चीज़ें याद रहती, जैसे आपका नाम, ठीक है, ये मेमोरी में परमानेंट सेट हो जाता है, आपके पिता का नाम, आपके गांव का नाम, ठीक है, इन आपके ज़िले का नाम, ये सब आपकी मेमोरी में परमानेंट सेट हो जाती है, इनको कोई नहीं भुला सकता, ठीक है। तो याद न रहना, तो जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन ही हो, ठीक है, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन या शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, तो आप उसे अपने तरीके से एक ट्रिक बनाइए, उसे दूसरे चीज़ों से जोड़िए, ठीक है, उसे कुछ ही, मतलब कि आपको लगता है कि उसे गलत चीज़ से जोड़कर पढ़ना, ठीक है। जैसे कि कोई भी आप चीज़ की याद करते हो, तो जैसे कि सोरठा छंद याद करते हो, ठीक है, तो हम लोग जैसे सोरठा छंद याद करते, तो सोरठा यश होता था, और उसका जो उदाहरण होता था सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बेसे करना एन चित ही लखत जान की तन। तो हम लोग उसको जब मैं याद करता तो उसका एक ट्रिक बना लिया था कि इसका उदाहरण मैं भूल ना पाऊँ, ठीक है, कभी कभी उदाहरण दूसरे चीज़ का भी बोला जाता था, इसलिए मैंने इसको यश यश से कन्वर्ट कर दिया कि यश यश चीज़ें रहेंगी तो ये मुझे याद रहेंगी। तो जब भी कोई सोरठा पूछता था तो मैं यश यश हमारे दिमाग में आ जाता था और ये परमानेंट याद हो जाता था, ठीक है, आज भी मुझे याद है।
है, तो मैं इसको बता देता था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप अपने ट्रिक से या किसी गलत शब्द में भी लेकर याद रख सकते हो, किसी वैसे ट्रिक से, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आप कुछ चीज़ों को याद रख सकते हो, ये अपने आप में अपने भाषा में कर सकते हो, ठीक है। अपने शब्दों में उसको कर लो कि यार ऐसे होता है, इसके बाद ओम का नियम ऐसे काम करता है, ये वो दुनियादारी, ऐसे आप उसको याद रहेगी, ठीक है। अगर आप अपने शब्दों में रहेगा तो आपके शब्दों की चीज़ें नहीं भूलेंगी और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। इसके बाद आ जाती है ध्यान भटकना। देखो ध्यान भटकना, ठीक है, ध्यान किस तरह से भटकता है, जैसे आपका पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपको पढ़ाई से दूसरे चीज़ों में मन लगा हुआ है, बिल्कुल जैसे लगता है कि नहीं ये चीज़ों को, तो ध्यान अगर आपका भटकता है तो आप अपने टारगेट को लर्न करिए कि मेरे टारगेट क्या है, मुझे जीवन में करना क्या है, ठीक है। अपने आप मोटिवेट होइए, अपने अंदर एक मोटिवेट लाइए कि नहीं यार मुझे अफसर बनकर दिखाना, मुझे सरकारी जॉब पाना है, मुझे ये करना है, मुझे भी पूरी ज़िंदगी करना है, मुझे फैमिली को ये गिफ्ट देना है, मुझे फैमिली से, मेरी फैमिली मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा कर बैठी है और मैं एक सरकारी अफसर बनूंगा और एक जॉब करूंगा, एक अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा, तो इसके लिए मुझे पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी, आपके अंदर देखो सोच जो होती है, आपकी जो थिंकिंग होती है, ये आपके अंदर एक तरह का हार्मोन्स उत्पन्न करती है, ठीक है, हार्मोन्स जनरेट करती है, और हार्मोन्स जो होता है वो आपके शरीर को उसी तरह से ढालने लगता है, ठीक है। अगर आप गलत चीज़ें सोचते हो तो गलत चीज़ों का हार्मोन्स आता है, आप प्रेम संबंध के बारे में करते हो तो आपके दिमाग में उस तरह का हार्मोन्स उत्पन्न होता है जो आपको उसकी ओर जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये हार्मोन्स को जैसे आप गुस्सा करते हो तो क्रोध का भी एक हार्मोन्स उत्पन्न होता है जो कि आपके जहर का काम करता है शरीर में, तो उस तरह का आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए और अपने अंदर एक मोटिवेट लाइए, ठीक है, कि नहीं यार मुझे भी बहुत कुछ करना है, अभी अपने लाइफ में कुछ नहीं करना, अभी पूरा आसमान तोलना बाकी है। अगर इन सब चीज़ों को अगर आप अंदर से मोटिवेट करते हो तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा। इसके साथ ही साथ अगर आप योगा करते हो, ठीक है, योगा करना भी ध्यान को नहीं भटकाता है। आप सावधान मुद्रा में बैठकर और अपने आँख से नसिका के अग्रभाग पे कम से कम 2 से 4 मिनट 5 मिनट डेली देखिए, आप 100% एनालिसिस कर पाओगे कि 10 से 15 दिन के अंदर आपके जो ध्यान है वो काफ़ी ज़्यादा आपके मन में लग, ये आपके बुक में लग रहा है। और इसके साथ ही साथ कई तरह की योगा आप करिए, क्योंकि योगा एक ऐसी विधि है जिससे यार आपका ध्यान काफ़ी ज़्यादा लगा रहता है, ठीक है। अब इसके साथ ही साथ आप अपने शरीर को एनर्जी दीजिए, क्योंकि आपका शरीर जो है वो पढ़ने में थके ना, इसके खान पीन सब कुछ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, तभी आपका ध्यान जो है वो भटकेगा नहीं और इन तीन चीज़ों से आप आसानी से बच सकते हो। तो इन तीन चीज़ों को आपको अच्छी तरह से एनालिसिस करनी है और मेरे द्वारा बताई गई सभी बातों को अगर आप एनालिसिस करते हो तो यार देख सकते हो कि इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो आप पे खुद पे विश्वास नहीं कर पाओगे। तो इन सब चीज़ों से, इन तीनों चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में यार बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए।